नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, हर गाड़ी का जो इंजन होता है उसमें कूलिंग सिस्टम लगा होता है, और जो कूलिंग सिस्टम होता है देखा जाए तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन कारों में ज़्यादातर देखा गया है कि वाटर कूल सिस्टम होता है। वाटर कूल सिस्टम जो होता है वो किस मेथड पर काम करता है, किस तरह से काम करता है, और गाड़ी का इंजन अगर हीट होता है तो कहाँ पर फॉल्ट हो सकता है जिस वजह से गाड़ी का इंजन हीट हो रहा है। तो आज का जो वीडियो दोस्तों, इसमें हम यही जानने वाले हैं कि हमारी गाड़ी का कूलिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो फिर भविष्य में आपकी गाड़ी के साथ कोई हीटिंग से रिलेटेड इशू आएगा तो फिर जो है आप उसको खुद ही समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, इंजन जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। जैसे बाइक के इंजन होते हैं, नॉर्मली देखा गया है वन सिलेंडर जो इंजन होता है गाड़ी में, जो बाइक में, वो एयर कूल्ड इंजन होता है, यानी हवा के माध्यम से ही ठंडा होता रहता है। और जैसे कि बड़ी गाड़ियां होती हैं, आपने देखा होगा डीजल ऑटो होते हैं तो उनमें एक फ़ैन भी लगा रहता है, या आपने देखा होगा जो पहले स्कूटर चलते थे टू स्ट्रोक तो उनमें भी एक फ़ैन होता था जो कि इंजन को ठंडा करता रहता था। तो वहाँ पर एयर कूल्ड सिस्टम का यूज़ किया जाता है। कुछ जो ट्रैक्टर है उनमें भी एयर कूल्ड इंजन आता है, तो वहाँ पर जो है फ़ैन के माध्यम से, यानी हवा को जो है लेकर इंजन की तरफ फेंका जाता है जिससे वो ठंडा होता है। अब कुछ ऐसे इंजन होते हैं जिनमें ऑयल कूल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जो कि इंजन का जो ऑयल होता है उसको ठंडा करने का काम करती है ऑयल कूल टेक्नोलॉजी। तो इंजन के अंदर का जो ऑयल होता है अगर वो गर्म हो जाता है तो ठीक जिस तरह से रेडिएटर में पानी को ठंडा किया जाता है, गर्म पानी को या कूलेंट को ठंडा किया जाता है, उसी तरह से जो ऑयल होता है उसको ठंडा किया जाता है जिससे इंजन का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता है। कुछ ट्रैक्टरों में ये टेक्नोलॉजी अभी भी आ रही है, और आपने देखा होगा शायद जो हाइड्रोलिक वाली मशीनें होती हैं जैसे कि जेसीबी हुई या बैकहो लोडर हुए, तो उसमें भी ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है ऑयल कूल। लेकिन जनरली देखा जाए जो फोर व्हीलर गाड़ियां होती हैं, कार होती है, चाहे वो डीजल हो या पेट्रोल इंजन की गाड़ी हो, तो हमारी जो गाड़ियां होती हैं उनमें भी जो है वाटर कूल सिस्टम होता है जो कि कूलेंट के साथ काम करता है। कूलेंट एक अलग चीज़ है, कूलेंट का मतलब ये नहीं है कि वो ठंडा करता है इंजन को। कूलेंट एक एडेसिव है जो कि पानी के साथ में मिलाया जाता है जिससे अंदर जो है रेडिएटर वगैरह में रस्ट वगैरह ना लगे, ठीक है। हालांकि कूलेंट जो है जो पानी होता है उसको जमने से भी बचाता है, माइनस में अगर टेम्परेचर जाता है तो उसको जमने से भी बचाता है। तो आज हम जानेंगे कि हमारी गाड़ी का कूलिंग सिस्टम किस पद्धति पे काम करता है, किस तरह से काम करता है। यहां पर देखा जाए दोस्तों, ज्यादा लोगों को पता है कि रेडिएटर होता है कूलिंग जो करता है उसके लिए, लेकिन रेडिएटर के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज जुड़ी होती हैं जो कि कूलिंग का काम करती है। जो रेडिएटर में पानी आता है या कहे कि कूलेंट आता है गर्म, उसको ठंडा करने का काम करती है। सबसे पहले हमको बेसिक चीज जानना होगी कि किस तरह से काम करती है ये पद्धति। देखिए दोस्तों, हमारा जो इंजन होता है ना, इसके अंदर ऊपर का जो हिस्सा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ तक, इसको हेड कहते हैं। इसके नीचे ब्लॉक होता है, उसके अंदर पिस्टन होते हैं। तो जो ब्लॉक होता है वो अंदर से खोखला होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई बर्तन है, उसमें आपने पानी भर के रखा, और दूसरा एक उससे छोटा बर्तन है उसमें आपने गर्म पानी भर के रखा। तो गर्म पानी को अगर आप ठंडे पानी में डुबो के रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो गर्म पानी है वो ठंडा होता जाएगा, ठीक है। जो छोटे बर्तन का गर्म पानी है वो ठंडा हो जाएगा, लेकिन जो बड़ा बर्तन है उसका पानी भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि छोटे बर्तन का पानी गर्म था, उसकी गर्मी के कारण जो बड़े बर्तन का पानी है वो भी गर्म होने लग जाएगा। तो उस पानी को ठंडा करने के लिए ही यह टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जो कि निरंतर काम करती है। अब हमारा जो इंजन है, जैसा कि मैंने कहा, ये जो आप देख रहे हैं ये पोर्शन, ये हेड होता है, इसके नीचे ब्लॉक होता है, उसके अंदर पिस्टन होते हैं। तो जो ब्लॉक होता है वो चारों तरफ से खोखला होता है, उसमें होता है ठंडा कूलेंट, ठीक है। ठंडा कूलेंट तो नहीं कहेंगे, उसमें होता है गर्म कूलेंट, लेकिन जो कूलेंट आता है उसमें वो ठंडा होकर ही आता है, तो वो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है ब्लॉक जो होते हैं उसके अंदर चारों तरफ खोखले होने के कारण उसमें ठंडा कूलेंट आता रहता है जिससे इंजन का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। अब हमारा इंजन जब स्टार्ट हो जाता है तो हमारी गाड़ी का जो इंजन का टेम्परेचर वो ज़्यादा होते चला जाता है, और एक ऐसा टाइम आएगा अगर इसको ठंडा नहीं किया गया तो इंजन के जो अंदर के पार्ट्स होते हैं वो मेल्ट होके एकदम चिपक जाएंगे आपस में, जैसे हम कहते हैं सीज होना। तो यहाँ पर जो है इंजन सीज होने के कारण, मैंने आपको कुछ वीडियो में पिछली बार भी बताए थे, अगर कूलिंग सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा तो इंजन सीज हो जाएगा, या इंजन के अंदर ऑयल जो होता है वो नहीं होगा तब भी इंजन सीज हो जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि किस तरह से ये प्रणाली काम करती है। तो पहला जो है यहाँ पर रेडिएटर होता है जिसके अंदर कूलेंट पानी मिला के भरा जाता है, ठीक है। यहाँ से जो है आप देख रहे हैं एक पाइप जुड़ा हुआ है और नीचे भी एक पाइप जुड़ा हुआ है। तो ये जो है इनलेट पाइप है और वो आउटलेट पाइप होता है, इसको होस पाइप भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है कूलेंट जो आता है वो गर्म होता है इस पाइप के माध्यम से,
और जो नीचे जाता है वो ठंडा हो जाता है, कूलेंट में हवा के माध्यम से ठंडा होता है। अब बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि सामने से जो हवा आती है उससे ठंडा होता है, और ये जो पंखा लगा हुआ है ना ये भी रेडिएटर होता है, उसको ठंडा करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर भी जो है कुछ मिथ हैं, लोग कहते हैं कि ये जो पंखा, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, मैं तो आपको फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर जो पंखा है ये जो आप देख पा रहे हैं अंदर, तो ये पंखा जो है हवा फेंकता है रेडिएटर को ठंडा करने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है, ये हवा को इंजन की तरफ फेंकता है। रेडिएटर की जो गर्म हवा होती है उसको सक करता है ये, जिससे रेडिएटर ठंडा होता है, ना कि रेडिएटर की तरफ फेंकता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो गर्म कूलेंट आता है वो यहाँ से आता है, ये जो पाइप है इसके अंदर फिन होती है रेडिएटर के अंदर, नीचे तक जाता है, मतलब ये जो प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। वो कब चलती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हवा के माध्यम से ठंडा होता है, नीचे चले जाता है, और फिर ठंडा कूलेंट पाइप के माध्यम से फिर से इंजन में जाता है, और फिर गर्म कूलेंट इसी पाइप के माध्यम से इसमें आता है, फिर ठंडा होता है, फिर जाता है, फिर ठंडा होता है। तो मतलब इस तरह की ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब ये जो रेडिएटर है काम कब करता है, जब आपकी गाड़ी का इंजन का टेम्परेचर 90 डिग्री के करीब पहुंच जाता है, कुछ गाड़ियों का 90 से ऊपर जाने 94-95 पे काम करता है रेडिएटर सिस्टम, जो कूलिंग सिस्टम वो काम करता है, यानी जो हमारी गाड़ी के इंजन का जो कूलेंट होता है उसका टेम्परेचर 90 डिग्री पे पहुंच जाता है, या कुछ गाड़ी में 85 या 95 पे पहुंचता है, तब कूलिंग सिस्टम गाड़ी का काम करने लग जाता है। यानी 100 डिग्री से नीचे ही हमारी गाड़ी का कूलिंग सिस्टम काम करता है। अब वो करता कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही इंजन का टेम्परेचर 90 डिग्री पे पहुंचता है, तो यहाँ पर जो है एक वाल्व लगा होता है इसके अंदर, जिसको कहते हैं थर्मोस्टेट वाल्व। तो ये जो वाल्व है वो खुल जाता है गर्मी के कारण, फिर जो है कूलेंट सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, और इसके पास एक सेंसर भी होता है जो कि मेजर करता रहता है कि हमारी गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर कितना है। ये जो आप सेंसर देख रहे हैं ना, अगर गाड़ी का इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, डैशबोर्ड में वार्निंग लाइट आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही 90 डिग्री पर पहुंचता है हमारी गाड़ी का टेम्परेचर, इसके अंदर लगा हुआ थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है, जिससे जो कूलेंट है या पानी है उसका फ्लो स्टार्ट हो जाता है, और फिर रेडिएटर भी जो है अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इश्यू जो है समझ जाता है कि भाई अब इतना टेम्परेचर हो गया है, तो ऑटोमेटिकली जो फैन है वो भी चालू हो जाता है। कुछ मित्र ये भी पूछते हैं कि मेरी गाड़ी का जो रेडिएटर फैन है वो काम नहीं करता। एक्चुअली रेडिएटर फैन जो है ऑटोमेटिक काम करता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तभी वो ऑन होगा, और ऑटोमेटिकली बंद भी हो सकता है। आपने देखा होगा गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं है, यानी आपकी गाड़ी चल के आई हुई स्टार्ट नहीं है, इंजन बंद कर दिया आपने, फिर भी रेडिएटर कुछ देर के लिए चलता रहता है, तो ये ऑटोमेटिकली काम करता है। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर जो थर्मोस्टेट वॉल्व होता है वो खुलता है, तब फ्लो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो फ्लो है उसको बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक पंप भी लगा होता है, जो कि पूरा जो पानी होता है या कहीं कि कूलेंट होता है उसको सर्कुलेट करेगा। बिना पंप के तो ये काम संभव नहीं है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये जो कि एक पुली से जुड़ा हुआ है बेल्ट के माध्यम से, इंजन की मेन पुली, ये जो आप देख रहे हैं ये पुली इससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो पुली आप देख रहे हैं ये वाटर पंप है। यही पंप जो है पूरा जो कूलेंट होता है या कहें इंजन के अंदर जो पानी होता है उसको सर्कुलेट करता है, यहाँ से वहाँ पहुँचाता रहता है। अगर ये सिस्टम फेल हो जाए तब भी जो है ऐसा होता है कि इंजन सीज हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ये बेल्ट टूटने के कारण या वाटर पंप खराब होने के कारण इंजन सीज होने के चांस होते हैं, ठीक है। तो ये काम करता है जो कूलेंट है उसको पूरा सर्कुलेट करने का, यहाँ से वहाँ भेजने का काम पूरा पंप करता है हमारा। और रेडिएटर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेडिएटर में यहाँ से गर्म कूलेंट आता है, नीचे जाता है, फिन में हवा के माध्यम से ठंडा होता है, और नीचे वाले होस पाइप से वापस से इंजन में जाता है। अब जब हम हीटर को यूज करते हैं तब भी ऐसा होता है। ये जो आप दो पाइप देख रहे हैं तो ये दोनों ही जो पाइप है ना गर्म वाले कूलेंट के हैं। जो गर्म कूलेंट होता है जो कि यहाँ से आता है, उसके साथ में ही देख रहे होंगे आप यहाँ पर एक बाल्ब, एक माफ कीजिएगा होस पाइप लगा हुआ है। तो ये एक जो है आप देख रहे हैं पाइप अंदर गया है फिर वापस आया है। तो यहाँ पर जो है जो हीटिंग कोइल होती है, हीटर कोर भी बोलते हैं उसको, तो वहाँ पर जाता है ये पाइप, गर्म कूलेंट के माध्यम से ही हीटिंग होती है। अब बहुत सारे मित्र ये सोचते हैं कि हीटिंग जो है कुछ हीटर सिस्टम लगा होगा उससे होती है, तो ऐसा नहीं है। कूलेंट के माध्यम से ही जो है हीटिंग होती है, गर्म जो कूलेंट होता है वो अंदर सर्कुलेट होता है हीटिंग कोर में, उस पर हवा पड़ती है पंखे की, और वो हवा जो है टकराती है गर्म हीटिंग कोर से, तो फिर जो है वो गर्म हवा फेंकती है। तो इस तरह से हीटर सिस्टम काम करता है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों किस तरह से जो है हमारी गाड़ी का जो
कूलिंग सिस्टम है वो काम करता है, जो हमारी गाड़ी में वाटर कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो रिजर्वॉयर है इसके बारे में बताना भूल गया, यहाँ से हम कूलेंट का लेवल भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो है फुल लिखा हुआ है, यहाँ पर लो लिखा हुआ है, सभी में ऐसा ही होता है सभी कारों में। तो यहाँ पर भी आपको कूलेंट डालना होता है, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कूलेंट इसमें कम हो जाता है बाई चांस किसी कारणवश, तो वो यहाँ से ले लेगा ऑटोमेटिक, जो हमारी गाड़ी का सिस्टम है जो कूलिंग सिस्टम है वो यहाँ से जो है कूलेंट को सक करके रेडिएटर में ले आएगा। तो इस तरह से जो है हमारी गाड़ी का जो कूलिंग सिस्टम है काम करता है। और ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही जो है सक्सेस टेक्नोलॉजी है, ज़्यादातर 90% जो कारें होती हैं वो इसी तरह की टेक्नोलॉजी बेस होती है, इसी तरह के कूलिंग सिस्टम पर बेस होती है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से जो है हमारी गाड़ी का कूलिंग सिस्टम काम करता है। और कभी मान लीजिए आपकी गाड़ी का इंजन हीट होता है या कोई ऐसा इशू आता है, तो आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस वजह से ये दिक्कत हो रही है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।